हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको 21 टीमों के नॉकआउट फिक्स्चर चार्ट बनाने के बारे में सिखाएंगे। तो हालांकि इतने जितने भी एग्ज़ाम्स आए हैं उनमें ये देखा गया है कि बच्चों को फिक्स्चर चार्ट बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बड़े ही आसान भाषा में आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि 21 टीम का फिक्स्चर चार्ट कैसे बनाया जाता है। हालांकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। तो सबसे पहले नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट में अंतर क्या होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें एक टीम हारने के बाद कंपटीशन से बाहर हो जाती है, वो दूसरा मैच नहीं खेल पाती है। बट लीग टूर्नामेंट में जस्ट इसका उल्टा होता है। लीग टूर्नामेंट में टीम को हर एक टीम के साथ एक एक मैच खेलना होता है और उसे ज्यादा मौके मिलते हैं अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए। तो आइए हम यहां पर देखते हैं नॉकआउट के आधार पर 21 टीमों का फिक्स्चर चार्ट कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टीम देखिए, नंबर ऑफ टीम्स जिसको हम एन से बोलते हैं, 21। उसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ मैचेस, जो कि फॉर्मूला होता है n-1। तो हमारी टीम है 21-1 इज इक्वल टू 20 मैच, तो कुल हमारे मैच होने हैं 20। अब इसके बाद हमें नंबर ऑफ राउंड्स पता करने होते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स पता करने के लिए हमें 2 की पावर में देखना होता है। 2 की पावर में 2, 2 2 जा 4 और 8, 16, 32। तो इस तरीके से हम 2 की पावर में देखते हैं, हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो 5 आया है आपका, जो पावर 5 है, ये हमें बताता है राउंड्स की संख्या। दो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 2 इज 5। सो हमारे जो राउंड्स होंगे, राउंड्स की संख्या हो जाती है 5। ओके, तो यहां पे अब हमें पता करना होता है 22 के 21 टीमों के फिक्स्चर चार्ट में हमें 22 कितनी देनी है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ 22 इज इक्वल टू, हमें वो संख्या लेनी होती है 2 की पावर में से जो उस टीम की संख्या से ज्यादा हो और नियरेस्ट हो। 16 से 20 ज्यादा है, 32 से कम है, तो हम 32-21 इज इक्वल टू, माइनस करने पे हमें मिलता है 11-22। ये सेम पैटर्न कितनी भी टीमें हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, कितनी भी टीमें हो, हम इस तरीके से बैलेंस बनाकर अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जब हमें 22 की संख्या पता चल गई, राउंड्स की संख्या पता चल गई और कुल मैचों की संख्या पता चल गई, अब हमें निकालना होता है टीम्स को 2 भागों में डिवाइड करना होता है। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, 2 हाफ में बांटा जाएगा। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टीम अपर
नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ। इसका फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, हम बता देते हैं, एन प्लस वन अपॉन टू। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह होती है कि अगर ऑड नंबर्स में संख्या होती हैं, टीमों की संख्या होती है, तो हम एन प्लस वन करते हैं। अगर इवन है तो हम एन अपॉन टू रखते हैं। ये बात सभी को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारी थी टीमें 21 प्लस वन अपॉन टू है, सो ये हो जाएगा 22 अपॉन टू। सो हमारी टीमों की संख्या अपर हाफ में जो टीमें आएंगी वो आएंगी 11। अपर हाफ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पता चल गया, अब लोअर हाफ के लिए देखेंगे। लोअर हाफ, इसका भी फॉर्मूला, सॉरी यहां पे एन बी लिखते हैं, लोअर हाफ का एन बी माइनस वन अपॉन टू, सॉरी तो यहां पर देखिए तो यहां पर हमने किया था एन प्लस वन अपॉन टू, 21 को प्लस किया, टू से डिवाइड किया, 11 टीम्स अपर हाफ में। उसी तरीके से हम लोअर हाफ के लिए करेंगे, 21 माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू होता है 22, सॉरी 20 अपॉन टू इज इक्वल टू, काटने पे हमें कितना मिलेगा, 10। तो हमें ये पता चल गया कि ऊपर के हाफ में जो टीमें होंगी वो 11 होंगी और लोअर हाफ में टीमें होंगी 10, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ एंड नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ। सो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ इज इक्वल टू एन बी माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू, एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ बाइस, ठीक है। तो हमारी ऊपर भी अध्याय में आई थी 11, तो हम लिखेंगे 11 माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 10 अपॉन टू इज इक्वल टू 5। सो इससे हमें पता चलता है कि ऊपरी आद में जो हम देंगे ऊपरी हाफ में देंगे 5 बाइस। उसी तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ बाइस इन लोअर हाफ, एन बी प्लस वन अपॉन टू। सो 11 प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 12 अपॉन टू, हमें मिलता है 6। अब ये हमें पता चल गया कि ऊपरी हाफ में हमें 22 संख्या देनी है, 5 और नीचे 6। अब इतना होने के बाद अब आती है बात, हम कैसे एक फिक्सचर चार्ट तैयार करके अपने सवाल को पूरा कर सकते हैं। देखिए हम यहां पर सभी टीमों को क्रमवाइज लिखेंगे, टीम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमने 1 से लेकर 21 तक टीमों की संख्या लिख ली है। अब हमें ऊपरी
अर्ध में 11 तक रखनी है टीमें, तो हम 11 के बाद एक हाफ रेखा खींच देंगे। तो ऊपर टीमों की संख्या हो गई 11 और नीचे टीमों की संख्या हो गई 10। अब 22 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, तो हमें 22 किस तरीके से बांटनी होती है। देखिए, हम फर्स्ट बाई जो देते हैं वो हम देते हैं फर्स्ट बाई, उसके बाद सेकंड बाई सबसे ऊपर, उसके बाद थर्ड बाई आती है आपकी 12 पर, फोर्थ आती है 11 पर, अब फिफ्थ आती है आपकी 20 पर, और सिक्स्थ आती है आपकी सेकंड टीम पर, और सेवेंथ आती है आपकी 13 टीम पर, और एट्थ आती है आपकी 10th टीम पर, फिर आती है आपकी 9th 19 टीम पर, फिर आती है आपकी 10 3 नंबर पर, फिर आपकी आती है 11 14 नंबर पर। तो ये हो गया 22 बांटने का तरीका। नीचे वाले अर्ध में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले हाफ में जो है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अपर हाफ में सही है और लोअर हाफ में भी सही है। अब ये है हमारा फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड में खेलने वाली टीमें किस तरीके से खेलती हैं, देखिए 4 और 5 में मैच होगा, 6 और 7 में मैच होगा, 8 और 9 में मैच होगा। 22 वाली टीमें सेकेंड राउंड में खेलती हैं, सेकेंड राउंड। और नीचे वाले हाफ में आ जाइए, यहां पर 15 और 16 का, 17 और 18 का मैच होगा। अब सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में फर्स्ट और सेकेंड और उसी में तीसरी टीम इस तरीके से खेलेगी, इनकी विनर टीम और 8 9 की विनर टीम आपस में खेलेगी, और ये 22 पाने वाली दोनों टीमें आपस में सेकेंड राउंड में खेलेंगी। उसी तरीके से ये भी खेलेंगी, ये भी खेलेंगी, ये भी खेलेंगी और ये भी खेलेंगी। तो अभी हमने देख लिया बैलेंस हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी तरीके से थर्ड राउंड में ये दोनों टीमें खेलेंगी, ये दोनों टीमें खेलेंगी, ये दोनों टीमें खेलेंगी, ये दोनों टीमें खेलेंगी। ये हो गया आपका थर्ड राउंड, ये क्वार्टर फाइनल। अब सेमीफाइनल, ये हो गया आपका फोर्थ राउंड, अब लास्ट में आता है फिफ्थ राउंड। तो ये आता है आपका फिफ्थ राउंड। तो ये हो गया आपका फिक्सचर चार्ट का रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से आपको बोर्ड के एग्जाम में अपने फीचर चार्ट को दिखाना है, और ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपके 5 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसी पैटर्न को आप फॉलो करते हुए 21 22 23 24 25 26 27 जितनी भी टीमें हैं उनका फिक्सचर चार्ट आसानी से बना सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है। तो आपके
सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई, कहाँ नहीं आई, कहाँ पे ये समझ में आया तो कितना समझ में आया, कितना हेल्पफुल है ये मेरा वीडियो, तो मुझे प्लीज बताइएगा। ओके, टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।